स्नेक को हम रेस्क्यू कर रहे थे, तो आखिर उसने मुंह पे अटैक किया। हमने जैसे अपना मुंह बचाया तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरह से बाइट किया और मेरे हाथ पर काट लिया इसने। आप भी ध्यान रखें। वैसे इसके अंदर कोई विष नहीं होता है, ये नॉन वेनमस होता है। तो हमने टीटी वगैरह का टीटी इंजेक्शन ले लिया है और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। और उसके बाद भी हमने 4-5 रेस्क्यू और किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब लोगों की दुआएं, दोस्तों की दुआएं रही हमारे साथ ताकि हम आज सुरक्षित क्या है। ये तो वहाँ है या फिर हमने क्यों हेल्प सही रूप रही हो रही हो। अरे 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 पकड़ लो पकड़ लो। अरे पकड़ लो अबे। कर रहे हो पकड़ दो जेर कौन है को यो मुंडा बटे करे। हाँ यो अंति कही अपना ने एलर्जी जरूर हुई सके मतलब जेर कौन। हाँ दौड़ी दाने वना हथियार पकड़ी मालूम कौन अरे खोल लो कमान नहीं आवे तो मैं पक कमान दल ना है ना ही ऊपर ऊपर ना ही अट्टा में निकलो कब रही है हाँ दोस्तों नमस्कार अभी जस्ट नागिन को छोड़ के आए थे इस पर्टिकुलर कोबरा को और उसी के आसपास से क्या है बारिश की वजह से सांपों के बिल बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से क्या है कि ये सांप क्या है कि मतलब ऐसे घूमते फिर रहे हैं तो इसको धामन सांप बोलते हैं इंग्लिश में इसको रेड स्नेक बोलते हैं चूहा खाने वाला सांप ठीक है और इसके अंदर कुछ जहर नहीं होता है निर्विष होता है नॉन वेनमस होता है लेकिन ये बाइट बहुत जोर से करता है और चेहरे बाइट करता है बहुत एग्रेसिव है और ये कम से कम 7 फीट से बड़ा है और ये सांपों सांपों की प्रजाति में मतलब क्या है कि एक विशेषता होती है कि अपनी जान बचाने के लिए बाइट करते बाकी ये किसी को ऐसे नहीं काटते हैं बहुत एग्रेसिव तो तू बोले ना बढ़िया अबे अबे क्या करते मुंडो अबे मैं अरे वजन है कम से कम 2.5 किलो। हाँ स्क्रेच इसका लग जाएगा हमको आड़ो पड़ दो तो,
दोस्तों हमारा ये कार्य आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मन कवर में करियो तो ना है मन कवर करियो तो ताकि मूंछ छोड़ सको नहीं मार पे अटैक करे नहीं फर्स्ट। बस और तो नहीं। हाँ दोस्तों अभी जहाँ से रेड स्नेक को हमने रेस्क्यू किया था उसको रिलीज करने के लिए ले आए हैं और ये लगभग 7 फीट से ज़्यादा का है और दो से तीन किलो वजन है इसके अंदर। ये इसके अनुकूल वातावरण में चला गया है। ठीक है सर, कार्य आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।